विषय का पाठ क्रमांक एक पद मेरा अलौकिक कर दो यह देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी अपने इस कविता में जो नन्हे बच्चे हैं उनकी जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है जिंदगी का, उसको अलौकित करने की प्रार्थना इस कविता में कर रहे हैं। अलौकित कर देना मतलब आसान कर देना, जो नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं जो अपना लाइफ जो है, अपना जो जीवन है वो सरल आसान तरीके से जी सके, इसके लिए द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों का जो जीवन है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है और इस कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है, तो इस कठिनाई भरे रास्तों को आसान कर दो, जीवन को आसान कर दो, इस तरह की प्रार्थना वो भगवान से इस कविता में कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि इस कविता की पंक्तियों से कि वो क्या क्या इस प्रार्थना में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पद मेरा अलौकिक कर दो, नवल प्राप्त की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम भर दो। पद मेरा अलौकिक कर दो, यानी हम सब ये जो नन्हे बालक है वो क्या है, इस प्रतीक के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं कि है परमात्मा आप दया के क्या हो, सागर हो, और आप नवल प्राप्त की नवल रश्मियों से, नवल प्राप्त की यानी जो नए किरणों से रश्मियों से यानी किरणों से मेरे उर का तम भर दो, मेरी जिंदगी का जो अंधेरा है उसे आप क्या कर दो, दूर कर दो। मैं नन्ना सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्ना सा दिहक विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ, पहुँच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग्दों पर दो। कवि कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये क्या है, छोटे छोटे नन्हे से पथिक है, यानी इस दुनिया जिंदगी के रास्ते पर चलने वाले छोटे छोटे नन्हे हैं बच्चे हैं, इस विश्व के पथ पर चलना भी वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और एक छोटे से नन्हे बच्चे विहग यानी पक्षी है, पक्षियों की तरह है, और वो अभी क्या कर रहे हैं, इस विश्व के नभ में उड़ना सीख रहे हैं, पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक मुझको ऐसे पग्दों पर दो। मेरा जो एम है जिंदगी का उसके पर उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या दो, पग दो और पर दो, पर मुझे इन मेरे जो जिंदगी का जो भी मकसद है जीने का उसको पाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए मुझे पग दो, यानी मुझे चलने का हौसला दो, मुझे वो पैर दो, वो हिम्मत दो, वो रास्ता दो जो मैं उस मेरे जो भी मेरा जिंदगी का लक्ष्य है उस तक मैं पहुंच सकूं। मैं इस पथिक यानी इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे पैर दो, आत्मविश्वास दो, और इस नभ में उड़ने के लिए मुझे पर दो, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे ऐसे पर दो कि मैं कभी भी नीचे ना आ सकूं, बस मैं इस मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे उड़ता ही चला जाऊं। मैं तो क्या हूं, अभी इसी छोटा सा विहग हूं, मैं एक छोटा सा पक्षी हूं जिसे अभी विश्व में उड़ना मैं सीख रहा हूँ, इस नभ में, इस आकाश में, इस खुले आकाश में, जिंदगी के रास्ते पर चलने के लिए इस आकाश में मैं क्या कर रहा हूँ, चलना अभी सीख रहा हूँ, उड़ना सीख रहा हूँ, तो मुझे उस चलने के लिए, मेरा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसे पर दो, ऐसे पग दो। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी उससे कहीं अधिक दे जाओ, धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय बन दो। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कवि अपनी कविता से ही बच्चों के दिल की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं कि आज तक जितना मैंने इस जग से सीखा है, इस दुनिया से मैंने सीखा है, या फिर आगे भी जो मैं सीखूंगा उसको मेरी सिर्फ इतनी ही मनोकामना है, मेरी इतनी ही
उम्मीद आशा है, मुझे क्या करना है। आज तक मैंने जितना भी इस दुनिया से पाया है, इसका कहीं ज्यादा मैं इस दुनिया को देखकर जाऊं और इस धरती को स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय कर दो। ये जो धरती है हरी भरी, इसको मुझे स्वर्ग बनाना है। अपने आत्मविश्वास से, मुझे अपने काम से, मुझे आत्मनिर्भर होना है।